हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरोके के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बनाना है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैरिबियन प्रीमियर लीग, जिसमें वर्ल्ड क्रिकेट के नामी प्लेयर खेलते हैं। 30 अगस्त से इसका 12 सेशन चल रहा है, जिसमें 6 टीमें खेल रही है। इस वीडियो में बात करेंगे CPL के चौथे मुकाबले के बारे में, जिसमें एंटीगुआ बारबाडोस फाल्कन्स का मुकाबला बारबाडोस रॉयल्स से होगा। यह मैच 1 सितंबर को एंटीगुआ के BBI चर्च क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार शाम के 7:30 पर स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सीजन का अपडेट चाहिए तो हमें स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं इनका वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पर मैच के दिन में मौसम थोड़ी सी नमी रह सकती है, 22 की संभावना है, ह्यूमिडिटी 78% का और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं कि पिच एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे सर विलियम चर्च स्टेडियम नॉर्थ साउंड एंटीगुआ बैटिंग लेग बेहतरीन जगह है। पिछले कुछ सालों में हमने कई हाई स्कोरिंग मुकाबले देखे, क्योंकि पिच सपाट हो गई, आउटफील्ड भी तेज हो गया, फास्ट बॉलर इस जगह पर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और स्पिनरों को भी बाउंस एंड टर्न मिलती है। पिच समतल होगी, जैसा कि हाल के अधिकांश मैच में देखा गया, बॉलर्स को सतह से कुछ शुरुआती हलचल मिलेगी, लेकिन इस बैटर्स को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर बात करते हैं कि विनिंग परसेंटेज देख लेते हैं, जो कि बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 14% जीतने का चांस है, तो ही बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 86% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं कि एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 146 है, तो वहीं पे सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 132 है। तो दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड ब्रिज देखें, तो दोनों के बीच में अभी तक एक भी मैच नहीं खेला गया। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम एंटीगुआ फाल्कन्स का शॉट एनालिसिस करेंगे। टीम की शुरुआत बहुत खराब रही, टीम ने इस सीजन में सबसे ज़्यादा 2 मैच खेले, लेकिन टीम दोनों मैच हार गई, टीम टेबल में सबसे नीचे आ गई है। क्रिस गेल जो टीम के कप्तान बने हुए हैं, ओपनिंग में बात करेंगे जो कि टेडी बिशप और फखर जमान अटैकिंग प्लेयर है। फखर ने सबसे ज़्यादा 83 रन बनाए। मिडिल ऑर्डर में आपको सैम बिलिंग्स है, कोफी जेम्स से ज्वेल एंड्री है, सभी बैटर्स रन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। टीम का लो ऑर्डर मजबूत है, उन्हें फैबियन लाइनर और इमाद वसीम क्रिस गेल से रनों की उम्मीद होगी। इमाद ने लास्ट मैच में 40 रन बनाए थे। टीम अगर बॉलिंग की बात करें तो थोड़ी सी बॉलिंग यहाँ पे कमजोर पड़ रही है, टारगेट डिफेंड नहीं कर पा रही है। स्पेल के शुरुआत मोहम्मद आमिर और समर स्प्रिंगर करेंगे। स्प्रिंगर ने सबसे ज़्यादा 6 विकेट लिए हैं, वहीं पे क्रिस गेल और फैबी एलन भी विकेट निकाल रहे हैं। इमाद वसीम ने अब तक 3 विकेट लिए हैं। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जो कि टेडी बिशॉफ है, फखर जवान है, कॉफी जेम्स है, सैम बिलिंग्स है, ज्वेल एंड्रयू है, क्रिस ग्रीन है जो कि कप्तान है, इमाद वसीम है, फैब एलन है, रॉसल स्प्रिमर्स है, समर स्प्रिंगर्स है, मोहम्मद आमिर है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए तो कि टेडी बिशॉफ है, फैब एलन है, सैम बिलिंग्स है। अब अगर बात करेंगे दूसरी टीम यानी बारबाडोस रॉयल का शॉट एनालिसिस करेंगे। वेस्ट इंडीज के T20 कैप्टन रॉबिन पॉवेल जो कि टीम की कप्तानी करेंगे, टीम पेपर पे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, लेकिन परफॉर्मेंस तो फील्ड पर ही देखेगी। ओपनिंग में बात करेंगे जो कि आपको क्विंटन डिकॉन्ग, एलिक अठांजे को स्टार्ट देंगे। वहीं मिडिल ऑर्डर में आपको रिवाल्डो क्लार्क और समर ब्रुक और पावर हीटर आपको डेविड मिलर टीम को जिता सकते हैं। वहीं पर जैसन होल्डर, रकीम कॉर्नवेल जैसे ऑलराउंडर टीम के एक्सपेक्टर। टीम की बॉलिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, टीम के पास कई पेस और स्पिन बॉलर हैं। बॉलिंग में आपको ओविड मैकॉय, नवीन उलाक स्पेल की शुरुआत करेंगे। स्पिन बॉलिंग में आपको केशव मराब, दुनित वेलाग है, महेश थिसना टीम को कभी भी विकेट दिला सकता है। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जो कि क्विंटन डिकॉक है, एलेक अठांजे, समर ब्रूक है, रिवाल्डो क्लार्क है, डेविड मिलर है, रॉबिन पॉवेल है, जेसन होल्डर है, दुनित वेलाग है, केशव महाराज, ओविड मैकॉय, नवीन उलहक के। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि रॉबिन पॉवेल है, क्विंटन डिकॉक है, केशव महाराज है। तो दोस्तों, अगर बात कर लें कुछ ड्रीम इलेवन फैंटेसी टीम भी बना लेते हैं, तो आप विकेट कीपर में सैम बिलिंग्स को रख सकते हैं। बैटर्स में आपको कॉफी जैम्स हो जाएंगे, क्विंटन डिकॉक हो जाएंगे, डेविड मिलर है। अगर बॉलर में बात करें जो कि समर स्प्रिंगर है, केशव महाराज है, ओविड मैकॉय। वहीं अगर ऑलराउंडर में आप रख सकते हैं फैब एलन, क्रिस ग्रीन है, रॉबिन पॉवेल है, जेसन होल्डर है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रिडिक्शन एंड कंक्लूजन करते हैं। एंटीगुआ टूर्नामेंट में लगातार परफॉर्मेंस कर रही है और 2 मैच खेल चुकी है, जबकि बारबाडोस का यह पहला मैच होगा। फॉर्म को देखते हुए हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच विनर एंटीगुआ होगा। कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।